के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्म पत्नी प्रियदर्शनी राजे आगामी लोकसभा चुनाव में ग्वालियर से कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती है। ये दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि ग्वालियर सिंधिया राजघराने का गृह नगर और उनके प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। इस बार माहौल इसलिए भी अनुकूल बताया जा रहा है क्योंकि सिंधिया के प्रभाव से इस क्षेत्र में अधिकांश विधायक कांग्रेस की ही जीत को लेकर विधानसभा में पहुंचे हैं। वैसे भी ये सीट अधिकांशतः सिंधिया राजघराने के सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व देती आई है। पूर्व में यहाँ ज्योतिरादित्य की दादी स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया और पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सांसद चुने जाते रहे हैं। खुद प्रियदर्शनी राजे भी अपने पति के सहयोग के रूप में ग्वालियर गुना और शिवपुरी क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए हैं। यदि वे यहां से प्रत्याशी बनती है तो निश्चित ही उन्हें अपनी सक्रियता और सिंधिया राजघराने के प्रभाव का लाभ मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस के साथ साथ राजनीतिक हलकों में यह दावे किए जाने लगे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रियदर्शनी राजे ग्वालियर से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी हो सकती हैं। इस बात को इसलिए भी बल मिल रहा है कि वह अभी भी अपने पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में सक्रियता। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।